हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि अगर आपके पोको M4 5G फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट है लेकिन यहाँ पर बार बार शो हो रहा है गाइस वाईफाई कनेक्टेड बट नो इंटरनेट एक्सेस, तो अगर आपके फ़ोन में भी ये प्रॉब्लम है गाइस तो आज के वीडियो में बताऊँगा कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। देख सकते ये प्रॉब्लम, डिस वाईफाई नेटवर्क हैज़ नो एक्सेस, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस नेटवर्क को एक बार डिसकनेक्ट कर लेना है। देख सकते ये गैलेक्सी A14 के साथ कनेक्ट है, तो इसको हम इस एरो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फॉरगेट का ऑप्शन आएगा, फॉरगेट पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। डिसकनेक्ट करने के बाद फिर से एक बार कनेक्ट करके चेक कर लेना है, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो डिसकनेक्ट करने से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो गाइस, उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों को सेटिंग्स में जाना है। तो यहाँ पर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ। पहले सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा गाइस कनेक्शन एंड शेयरिंग का, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क्स एंड ब्लूटूथ, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर नीचे रीसेट सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर से हम रीसेट सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने फ़ोन का पासवर्ड और पैटर्न जो भी है डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करते ही यहाँ पर जो हमारा वाईफाई सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगा। देख सकते लिखा हुआ है वाईफाई, तो यहाँ पर वाईफाई सेटिंग जब रीसेट हो जाएगा आपका जो वाईफाई नो इंटरनेट एक्सेस प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने पोको M4 5G फ़ोन में वाईफाई नो इंटरनेट एक्सेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।